हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं नबील है। आपने आज रिलीज़ किया iOS 12.4.2। iOS 12.4.2 जो रिलीज़ किया है वो iOS 13 के रिलीज़ के बाद रिलीज़ कर दिया है। तो ये वाला अपडेट कहाँ से आ गया, क्या है इस वाले अपडेट में नया, और किन आईफोन्स पे जो है आप ये वाला अपडेट कर सकते हैं, क्या आप iOS 13 वाले आईफोन्स पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वही सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। iOS 12.4.2 ये एप्पल ने आज रिलीज़ किया है, और ये iOS 13 के लॉन्च के बाद या रिलीज़ के बाद जो है ये वाला अपडेट आया है। ये वाला अपडेट जो है उन आईफोन्स के लिए नहीं आया है जो iOS 13 पे ऑलरेडी चल रहे हैं या जो कंपैटिबल है iOS 13 के अपडेट के साथ, यानी कि जिनको आप अपडेट कर सकते हो। ये उन आईफोन्स के लिए आया है जो iOS 12 पे ही रह गए और उनके लिए iOS 13 का अपडेट नहीं आया, जैसे कि iPhone 6 और यहाँ पे आप देख सकते हैं iPhone 5s। iPhone 5s एंड iPhone 6 के ऊपर iOS 13 का अपडेट नहीं आया है। मे बी उसके हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ के वजह से या जो भी रीज़न एप्पल उसको बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन डिवाइसेस को एप्पल जो है वहीं पे छोड़ देगा जहाँ पे वो थे और इनको आगे अपडेट नहीं देगा और इनको सिक्योरिटी पैचेस नहीं देगा। तो स्पेशली इसके लिए, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए, ये वाला अपडेट जो है एप्पल ने निकाला है। 12.4.2 जो है ये भी एक अच्छा खासा बड़ा अपडेट है, और जिनके पास iPhone 6s है और iPhone 5s है उनके लिए ये वाला अपडेट है। बाकी जो लोग के फ़ोन्स iOS 13 के लिए कंपैटिबल है वो लोग ये वाले अपडेट को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस अपडेट में जाने के पहले जो अवेलेबल फ्री स्पेस था मेरे आईफोन 6 पे वो था 57.1 GB, और अपडेट करने के बाद ये हो गया 56.9 GB। तो यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो है वो थोड़ा घटा है, लेकिन इतना भी नहीं घटा है जिसकी वजह से आप जो है ये वाला अपडेट ना करें। मे भी हो सकता है कोई जंक फाइल्स होंगे जो क्लियर नहीं होंगे, जिस वजह से ये वाले अपडेट के बाद जो है अवेलेबल फ्री स्पेस घट गया है। iOS 12.4.2 बिल्कुल iOS 12.4.1 की तरह ही है। ये iOS 13 वाले कोई भी फीचर्स आपके iPhone के अंदर, iPhone 6 के अंदर, iPhone 5s के अंदर नहीं लाने वाला, लेकिन ये वाले अपडेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स और बग फिक्सेस किए गए हैं। एप्पल की यही बात मुझे जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि पुराने iPhones, बीच में iPhone 4s और iPhone 5 के लिए भी एप्पल ने अपडेट पुश किया था, तो ऐसे पुराने जो iPhones होते हैं जिनको एप्पल यूजर्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी एप्पल जो है अपडेट पुश करते रहता है। और ये वाले अपडेट में स्पेशली जो है एप्पल ने बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी बग फिक्सेस जो है वो किया है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक इशू जो है बीच में आया था iOS 12.4.1 के अंदर, वो वाले इशू को जो है इस वाले अपडेट में फिक्स किया एप्पल ने, ताकि कोई भी आपके आईफोन को जो है हैक वगैरह ना कर सके। तो जिन लोगों के पास भी आईफोन 6 है या फिर iPhone 5s है, उन लोगों को आगे जाके ये वाला अपडेट iOS 12.4.2 का कर लेना चाहिए। लेकिन जो लोग जेल ब्रेकिंग वाले हैं, जो लोग जेल ब्रेक करना चाहते हैं, जिनके फ़ोन जेल ब्रोकन हैं, या जो लोग जेल ब्रेक करना चाहते हैं आगे जाके अपने फ़ोन्स को, वो लोगों को ये वाला अपडेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो लेटेस्ट iOS का अपडेट होता है उसका जेल ब्रेक इमीडिएटली नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको iOS 12.4.1 में कोई भी इशू है, अगर नहीं भी है, तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आगे जाके ये वाला अपडेट कर लीजिए, ताकि आपके फ़ोन की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे। दोस्तों, क्या आपके पास iPhone 6 है, क्या आपके पास iPhone 5s है, क्या आपने ये वाला अपडेट किया नहीं किया, जो भी आप इसके बारे में सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद होगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।